हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इज प्लैनेट. फ्रेंड्स, दिस आर 27 सेशन फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. इन दिस सेशन वी आर, और आई कैन से विल सी हाउ टू मेक क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. ओके, सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, उनके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो यहाँ पर मैंने बताया है. राइट, जब पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, राइट, आई इज द सब्जेक्ट एंड एम इज द वर्ब. ओके, और जब क्वेश्चन बनेगा तो ये दोनों अपनी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज कर लेते, दैट इज एम आई. राइट, आई यहाँ पे चला जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा. राइट, सो आई एम लेट, एम आई लेट, दैट सीट इज फ्री. अब ये सब्जेक्ट है, दैट और इज जो है वो वर्ब है, तो यहां पर सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो क्वेश्चन में क्या होगा, वर्ब एंड सब्जेक्ट दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ऐसा कह सकते हैं. शी वॉज, सो वॉज शी. अरुण हैज अरुण. यू हैव यू. दे विल दे. पारुल कैन पारुल. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो जब आप पॉजिटिव से क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है वो अपनी पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ एक बार सारा रीड कर लेते हैं. आई एम लेट, एम आई लेट, दैट सीट इज फ्री, इज दैट सीट फ्री, शी वॉज एंग्री, वाई वॉज शी एंग्री. ओके, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन वॉज शी एंग्री ऐसा ही बने, वो गुस्सा क्यों थी, कोई भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी, वो डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली. सो अरुण हैज गॉन, अरुण जा चुका है. वेयर हैज अरुण गॉन, अरुण कहाँ गया है. वाय, ऐसा भी हो सकता है, वाय हैज अरुण गॉन, अरुण क्यों गया है. वेन, वो कब गया, ऐसा भी काफी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं. यू हैव गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच वन, कौन सी वाली. देव, they will be here soon. When will they be here? वो लोग यहाँ पर कब आएंगे. पारुल कैन स्विम, कैन पारुल स्विम. ओके, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो आपस में अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, ओके, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. बी केयरफुल विद द वर्ड ऑर्डर. द सब्जेक्ट इज आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, यू कैन सी इट एवरीवेयर. द सब्जेक्ट इज आफ्टर द फर्स्ट वर्ब. राइट, एम आई, इज That was she, has Arun. यहाँ पर I, seat, I'm sorry, I, that, she, Arun, you, they and Parun. ये सारे subjects हैं. और am, is, was, has, have, will, can, ये सारे verb हैं. और आप देख रहे हैं सब जगह subjects जो हैं वो verb के बाद में लगा हुआ है. Right? After the first verb. चलिए, they work hard. वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं. डू दे वर्क हार्ड. ओके, यू वॉच टेलीविजन, हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन. अब आप देख रहे हैं दे वर्क हार्ड और यू वॉच टेलीविजन, दोनों जो सेंटेंसेस है वो सिंपल प्रेजेंट में है. ठीक है, तो इनके जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्वेश्चन बनते हैं या नेगेटिव बनता है सिंपल प्रेजेंट का तो हम डू डज यूज करते हैं. ठीक है, तो ये डू हम यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस में नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू जो है वो यूज नहीं होगा. ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हम डू या डस का यूज करेंगे, डिपेंड्स. इफ ही वर्क्स हार्ड है तो डज ही वर्क हार्ड होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, अदरवाइज जो डू यूज करेंगे. यू वॉच टेलीविजन, राइट. अब ऐसा भी पूछ सकते हैं, डू यू वॉच टेलीविजन, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन, तुम कितनी बारी देखते हो. ओके, आदित्य वर्क्स हार्ड, आदित्य वर्क्स हार्ड सिंपल प्रेजेंट, और आदित्य थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो आदित्य वर्क्स हार्ड. राइट, डज आदित्य वर्क हार्ड, क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज आदित्य वर्क हार्ड. श्यामा गेट्स अप अर्ली, श्यामा जल्दी उठती है. अब क्वेश्चन, डस श्यामा गेट अप अर्ली, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या कोई दूसरा क्वेश्चन है कि वो कितनी बजे उठती है. ओके, सो वेयर टाइम डस शी गेट अप, व्हाट टाइम, आई एम सॉरी, व्हाट टाइम डस शी गेट अप, वो कितनी बजे उठती है. दे वर्कड हार्ड, अब दे वर्कड हार्ड ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है. ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे वो भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए, डिड दे वर्क हार्ड.
यू हैड डिनर, ओके, आपने खाना खा लिया, आपने खाना खाया था, ये यू हैड डिनर, दैट इज इन सिंपल पास्ट. अब क्वेश्चन, व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर, तुमने डिनर में क्या खाया था, ओके, तुमने डिनर कब खाया था, वो भी पूछ सकते हो, व्हेन डिड यू हैव योर डिनर, तुमने कब खाया था, ठीक है. तो क्वेश्चन तो खैर बहुत सारे बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं. शी गॉट अप अर्ली, ये भी सिंपल पास्ट है, तो वॉट टाइम डिड शी गेट अप, वो कितने बजे उठी. ही टीचेस वेल, क्वेश्चन क्या बन सकता है, डज ही टीच वेल, क्या वो अच्छा पढ़ाता है, या फिर विच सब्जेक्ट डज ही टीच, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है. ओके, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसका ऑर्डर कैसे होता है वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसका ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस लिखने हैं. आई कैन सिंग, तो क्वेश्चन इज कैन यू सिंग, और वैसा भी पूछा सकता है व्हाट कैन यू सिंग, तुम क्या गा सकती हो. सपोज वो बहुत कुछ गा सकती है, मे बी फोक गा सकती है, क्लासिकल, जो जो भी काफी सारे तरह के गाने होते हैं, भजन गा सकती है, कुछ भी. सो आई कैन सिंग, कैन यू सिंग, और व्हाट कैन यू सिंग, तुम क्या गा सकती हो, डिपेंड करता है क्या पूछना चाह रहे हैं. आई वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क करता हूँ. अब जय के बारे में पूछा जा रहा है कि जय हार्ड वर्क करता है क्या, तो डज जय वर्क हार्ड, क्या जय हार्ड वर्क करता है. आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, एंड यू, वर यू लेट दिस मॉर्निंग, आई हैव गॉट अ गिफ्ट, मुझे एक एक गिफ्ट मिला है. अब अनु के बारे में पूछना है, हैज अनु गॉट अ गिफ्ट, क्या अनु को गिफ्ट मिला है. आई विल बी हियर टुमारो, मैं कल यहां पर होंगी. विल यू बी हियर टुमारो, क्या तुम कल यहां पर होगी, और आई विल बी हियर टुमारो और मे बी नेक्स्ट वीक. ओके, आई एम गोइंग आउट दिस इवनिंग, एंड पवन, सो इज पवन गोइंग आउट दिस इवनिंग. आई लाइक माई वर्क, एंड यू, डू यू लाइक योर वर्क. आई लिव नियर हियर, एंड लीना, डज लीना लिव नियर हियर, लीना भी यहाँ पे कहीं आजू बाजू रहती है क्या. नाउ आई एंजॉयड माई हॉलीडे, एंजॉयड, आई एंजॉयड, दैट इज इन सिंपल पास्ट, तो डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे. आई हैड अ नाइस ब्रेकफस्ट दिस मॉर्निंग, एंड यू, डिड यू हैव अ नाइस ब्रेकफस्ट दिस मॉर्निंग, डिड यू हैव, राइट, डिड यू हैव अ नाइस ब्रेकफस्ट दिस मॉर्निंग. अभी सपोज दो दोस्तों के बारे में बात चल रही है, एक कार को लेकर के, ठीक है, दोस्त मे बी ए और दोस्त बी, तो हमें से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है. आई हैव अ कार, हैव यू गॉट अ कार, दूसरा दोस्त आंसर दे रहा है येस आई हैव. डू यू यूज इट अ लॉट, तुम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हो क्या. येस नियरली एवरी डे, हाँ लगभग रोज ही यूज करता हूँ, रोज ही चलाता हूँ. यूज यस्टरडे, अब अगर कल की बात आ रही है इसका मतलब तुमने कल यूज की थी क्या. सो डिड, पास्ट टेंस में यूज करेंगे, डिड यू यूज इट यस्टरडे, कल तुमने यूज की थी क्या. येस टू गो टू वर्क, हाँ काम पे जाने के लिए मैंने यूज की थी. डू यू एंजॉय ड्राइविंग, क्या तुम्हें ड्राइविंग करना पसंद है. नॉट वेरी मच, ज्यादा पसंद नहीं है. आर यू अ गुड ड्राइवर, आई थिंक आई एम, मुझे लगता है मैं हूं. एवर हैव एन एक्सीडेंट, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, क्या तुम्हारा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है. नो नेवर. तो ये जो सब यहाँ पर आप देखिए, सिंपल पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट भी आ गया, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया, सब तरह के सेंटेंसेस आ गए, तो आपको सबके क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, राइट. डिपेंड करता है आपका जो ये जो पार्ट है वो कौन से टेंस में है, उसी टेंस में आपको आंसर देना है, ठीक है. हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपका आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए. नो नेवर. ओके, खैर यहाँ पे तो शॉर्ट आंसर देना है, लेकिन अगर पूरा आंसर आपको बोलना है तो आपका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए. आई हैवंट हैड एन एक्सीडेंट, और आई नेवर हैड एन एक्सीडेंट, आई हैव नेवर हैड एन एक्सीडेंट. पुट द वर्ब्स इन द राइट ऑर्डर, ऑल द सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस. नाउ दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. अब हमने जो इतना सारा प्रैक्टिस किया है वो सब हम यहाँ पर हमको अप्लाई करना है.
सबसे पहले हैज गॉन वेयर दीपक, सो हम क्या बोलेंगे, वेयर हैज दीपक गॉन। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के इमिडिएटली पहले आएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट वर्ब के बाद में आएगा, राइट। वेयर हैज दीपक गॉन। वर्किंग रागिनी इज टूडे, इज रागिनी वर्किंग टूडे, इज रागिनी वर्किंग टूडे। द चिल्ड्रन वॉट आर डूइंग, तो क्या होगा, वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग। हाउ मेड इज हाउ चीज, हाउ इज चीज मेड, ओके, हाउ इज चीज मेड। जो चीज है वो पहली वर्ब के बाद में आएगा, फर्स्ट वर्ब क्या है, इज, इसके बाद में आएगा, सो हाउ इज चीज मेड। टू स्कूल कमिंग इज योर सिस्टर, क्वेश्चन बनाना है, इज योर सिस्टर कमिंग टू द स्कूल, कमिंग टू स्कूल, इज योर सिस्टर कमिंग टू स्कूल। यू द ट्रूथ टेल डोंट वाई, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ। योर गेस्ट हैव येट अराइव्ड, हैव योर गेस्ट अराइव्ड येट, क्या तुम्हारे मेहमान आ गए हैं। लीव वॉट टाइम योर ट्रेन डस, सो वॉट टाइम डज योर ट्रेन लिव, वॉट टाइम डज योर ट्रेन लिव, डज योर ट्रेन फर्स्ट वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ओके, जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट वर्ब के बाद में आएगा। योर कार इन द एक्सीडेंट वॉज डैमेज्ड, वॉज योर कार डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, वॉज योर कार डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। देन वी हैव टू वर्क कृपा वाई गो डिंट, सो वाई डिंट कृपा गो टू वर्क, वाई डिंट कृपा गो टू वर्क, ओके। अभी इस एक्सरसाइज में आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन जो है हमें इस जो वर्ड यहाँ पे दिया है उससे शुरू करना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तो अभी वेयर मतलब कहाँ जाना चाहती हूँ, तो वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ओके, तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो आप देख रहे हैं वेयर डू यू, डू एंड यू, राइट, डू इज द फर्स्ट वर्ब एंड यू इज द सब्जेक्ट, राइट, जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट वर्ब के बाद में आएगा। अनु एंड पमी आंट गोइंग टू द पार्टी, वाई आंट दे गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं, राइट, जो दे है वो फर्स्ट वर्ब आंट के बाद में आ रहा है। आई एम रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनीता वेंट टू स्कूल अर्ली, सुनीता वेंट टू स्कूल अर्ली, ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में, राइट, तो आपका जो ये वाला पार्ट है, क्वेश्चन है, वो भी सिंपल पास्ट में होगा। तो व्हाट टाइम डिड शी गो, वो कितनी बजे गई, व्हाट टाइम डिड शी गो, मतलब कहने का मतलब व्हाट टाइम डिड शी गो टू स्कूल। माई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन हॉलीडे, मेरे मम्मी पापा छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो वेन मीन्स कब जा रहे हैं, सो वेन आर दे गोइंग, वेन आर दे गोइंग। आई मेट तन्मय अ फ्यू डेज अगो, ओके, अब ये सेंटेंस काय में है, सिंपल पास्ट में है, आई मेट तन्मय अ फ्यू डेज अगो, ओके। तो अब वेयर मतलब आप कहाँ मिले थे उसको, ऐसा ऐसा पूछना चाह रहा है, तो वेयर डिड यू मीट हिम, वेयर डिड यू मीट हिम, तुम उसको कहाँ मिले थे, ओके, ये सिंपल पास्ट में है तो ये भी सिंपल पास्ट में ही होगा। टीना हैज गॉन अवे, टीना हैज गॉन अवे, टीना कहीं गई है या दूर चली गई है या कहीं चली गई है, सो ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये जो पोर्शन है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। वेर हैज शी गॉन, वो कहाँ गई है। आई कांट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती, तो भाई तुम क्यों स्कूल नहीं आ सकती, वाई कांट यू कम टू स्कूल, ओके। आई नीड सम मनी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, हाउ मच डू यू नीड, राइट, तुम्हें कितना चाहिए, हाउ मच डू यू नीड। अनुराधा डजंट लाइक मी, अनुराधा डजंट लाइक मी, वाई डजंट शी लाइक यू, वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती है। इट रेन समटाइम्स, हाउ ऑफन डज इट रेन,
इट रेन समटाइम्स, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। यहाँ पे कभी कभी बारिश होती है, तो कितनी बारी बारिश होती है, तो हाउ ऑफन डज इट रेन। आई डिड द शॉपिंग, ये किस में है, सिंपल पास्ट में है, तो ये जो पोर्शन है वो भी सिंपल पास्ट में ही होगा। तो वेन मतलब कब, सो वेन डिड यू डू द शॉपिंग, ओके, वेन डिड यू डू द शॉपिंग, तुमने शॉपिंग कब की, ठीक है। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन बनाना, ये आपने समझ लिया होगा। जो आपको ध्यान रखना है मेनली वो कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट वर्ब के बाद में आता है जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस टेंस में, ओके, उसमें आंसर है उसी टेंस में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ये जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो आपका क्वेश्चन भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको टेंसेस है वो आपको जो मतलब मैच करने हैं। कहने का मतलब ये, जिस टेंस में ये है उसी टेंस में आपके क्वेश्चन होने चाहिए, जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर, और जिस टेंस में आंसर उसी टेंस में क्वेश्चन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज, जो प्लेसमेंट है वर्ब का और सब्जेक्ट का, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। सो जस्ट सेशन को एक बारी पॉज करके सारे सेंटेंसेस जितने हमने इस सेशन में किए हैं, बोले हैं, वो सारे के सारे आप दोबारा से रीड करिए, ओके। सो दिस वे यू विल बी एबल टू स्पीक इन बेटर मैनर एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन, बाय बाय।